राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने महानिदेशक से मिलकर अनियमितता की जानकारी दी है। विभिन्न जिलों से आए आवेदनों को निस्तारित करने के बजाय उसे शासन में भेज दिया गया है। 29 सीएमओ और सीएमएस को नोटिस जारी होने के बाद हर जिले में कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ऐसे में पीएमएस एसोसिएशन ने टेक्निकल सपोर्ट यूनिट अर्थात TSU की कार्यप्रणाली की भी जांच कराने की मांग की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AJB इंडिया में। चैनल पर आप नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। इस समय उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों, नर्सिंग कर्मियों, फार्मासिस्टों, लैब टेक्नीशियन सहित सभी संवर्ग के स्थानांतरण से स्वास्थ्य विभाग में हलचल मची है। स्थानांतरण के दौरान हुए गड़बड़ी को लेकर बवाल मचा है। निदेशालय की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। स्थानांतरण संबंधी शिकायतों के निस्तारण के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। अभी तक विभिन्न माध्यमों से यही बातें निकल कर आ रही है कि कमेटी की पड़ताल में ज्यादातर मामलों में समन्वय का अभाव और रिकॉर्ड अपडेट नहीं होने की बात सामने आई है। कर्मचारियों के संबंध में गलत सूचना देने पर 29 सीएमओ और सीएमएस को नोटिस जारी किया गया है। संबंधित अधिकारी मामले की जिम्मेदारी कर्मचारियों पर डाल रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जिन लोगों ने स्थानांतरण से जुड़े रिपोर्ट नहीं बनाए उन्हें भी नोटिस जारी किया जा रहा है। सीएमओ और सीएमएस इसके लिए कर्मचारियों को दोषी मान रहे हैं कि इन्होंने रिकॉर्ड सही से नहीं बनाया है। पूरा ठिकरा कर्मचारियों के सिर पर फोड़कर आख्या तैयार करने में जुटे हैं। इससे कर्मचारियों में आक्रोश है। स्थानांतरण सूची में एक ही व्यक्ति का दो दो स्थान पर तबादला किए जाने, दाम्पत्य नीति का पालन नहीं होने, विकलांग बीमार का स्थानांतरण करने की बात सामने आई है। निदेशालय स्तर पर बनी जांच कमेटी की संस्तुति पर लगातार तबादले रद्द किए जा रहे हैं। शासन स्तर पर भी कई तबादले रद्द किए गए हैं। फार्मासिस्ट फेडरेशन के अध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि 6 महीने का प्रशिक्षण देकर मेडिकल कॉलेजों के पोस्टमार्टम हाउस में तैनात किए गए फार्मासिस्टों को भी स्थानांतरित कर दिया गया है। दोस्तों, नई अपडेट और जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।